में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी दौरे पर जाएंगे, जहां केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसके अलावा परेड कोठी कैंट वाराणसी में प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में भी जाएंगे। साथ ही विभागीय अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम बैठक करेंगे और अंजनीपुरम कॉलोनी में बीजेपी पदाधिकारियों के घर डिप्टी सीएम जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां वो अमौसी एयरपोर्ट से आज रवाना होंगे। कई पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी पदाधिकारियों के घर भी जाएंगे डिप्टी सीएम। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है? आज वाराणसी दौरे पे है। 11:30 बजे वो बाबतपुर एयरपोर्ट पे जाएंगे। उसके बाद आपको बताएं कि भाजपा महानगर प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ वहां जो कार्यकर्ताओं को पार्टी के आगामी चुनाव को, जो निकाय चुनाव हो उसको लेकर, और साथ ही साथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए वो उन्हें गुरु मंत्र देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य बनारस के अंदर में रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि करौदी स्थित एक कार्यकर्ता अनिल कुमार गुप्ता के घर वो रात्रि भोजन के लिए जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महानिदेशक से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ आप कार्यकर्ताओं के घर जाने के बाद तमाम वहां माना ये जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता के घर जाएंगे, भोजन करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की हुजम भी रहेगी। साथ ही आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां बनारस स्थित तमाम ऐसे जगह भी जा सकते हैं, जो आपको बताएं कि माना ये जा रहा है कि बाबा विश्वनाथ की दर्शन भी करेंगे। जी जी विभांशु, संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, काफी अहम भी माना जा रहा है ये दौरा, तो किस तरह से देखते हैं, कौन सी बड़ी सौगात देने वाले हैं डिप्टी सीएम? जी शिखा, आपको बता दें कि वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां विगत जो बड़े नेता हैं, अभी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां स्वास्थ्य महकमों की जांच को लेकर पहुंचे थे, और साथ ही साथ उसमें गुणवत्ता में सुधार को लेकर तमाम अस्पतालों का निरीक्षण भी किए थे। उसी क्रम में आज सूबे के दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जा रहे हैं। साथ ही साथ वो पदाधिकारी और मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक के साथ ही साथ ऐसे तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए हैं 100 दिन के काम के खाकों के लेकर, तो उसके लिए भी जो बनारस के अधिकारी हैं उनको निर्देश देंगे। साथ ही आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और देर शाम 7:30 बजे लखनऊ वापस आएंगे। जी विभांशु, जिस कार्यक्रम में बीजेपी के जिस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शिरकत करने पहुंच रहे हैं, जिला प्रशिक्षण शिविर, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जी आपको बता दें कि जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उसके बाद पदाधिकारियों की नई गठन करनी है। अब देखें तो जो भी पद है उसको भंग करके नए स्तर से अब पदाधिकारियों को चयन करना है। तो उसी क्रम में आज बनारस के अंदर में भाजपा के जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ भाजपा की नीतियों को और बेहतर बनाने, साथ ही साथ जन जन तक पहुंचाने की बात कहेंगे और कार्यकर्ताओं को अंदर गुरु मंत्र देंगे, जिससे आगे की जो चुनाव है, चाहे बात की जाए लोकसभा के चुनाव, चाहे बात की जाए पंचायत चुनाव, उसको लेकर वो कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ प्रदेश और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और उसको जागरूक करने को लेकर कार्यकर्ताओं के आज के शिविर में वो उन्हें बताएंगे। साथ ही जो आगामी पंचायत चुनाव है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि अनिल कुमार गुप्त जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो करौनी स्थित उनका उनके आवास पे जाएंगे, जहां वो शाम 7 बजे पहुंचेंगे और वहां भोजन के भी इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ता के घर भोजन करने के बाद वो
बाबतपुर एयरपोर्ट से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं, जिसके बाद वो पदाधिकारियों के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे और आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति बनानी है, किस तरह से कामकाज को बेहतर बनाना है, उस पर भी चर्चा करते नजर आएंगे। रवाना होंगे डिप्टी सीएम, बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। वाराणसी में कई कार्यक्रम है, इसके साथ ही साथ वो कई मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। देश में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,157 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक्टिव केस बढ़कर 19,500 हो गए हैं। बीते दिन 26 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कोविड से 5,23,843 लोगों ने जान गंवा दी है। भारत में 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,485 केस मिले हैं, वहीं हरियाणा में 479, केरल में 314, उत्तर प्रदेश में 268 और महाराष्ट्र में 169 केस मिले हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और देश में इस वक्त 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। और देश में अगर बात करें सबसे ज्यादा तो दिल्ली में कोरोना के मामले मिले हैं, 1,000 से ऊपर मामले मिले हैं, 1,485, लगभग 1,500 के करीब मामले दिल्ली में मिले हैं। हरियाणा में 479 मामले यानी करीब 500, केरल में 314, उत्तर प्रदेश में 268 और महाराष्ट्र में 169 केस मिले हैं। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये चौथी लहर का संकेत है? आशंका नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ ना है कि जो दो टीके लगा दिए गए हैं, दो डोज पूरे हो चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं अगर देखें तो इम्यूनिटी बूस्ट कर चुका है। और जो आईआईटी कानपुर और मद्रास के विशेषज्ञ हैं, उनकी तरफ से साफ तौर से कहा यह जा रहा है कि ये कोरोना की चौथी लहर नहीं होगी। और अब अन्य अगर देखा जाए तो अन्य वेव से इस वेव का खतरा बहुत कम होगा। वहीं आपको बताएं कि अगर बात करें बीते 24 घंटे की तो देश भर में 3,000 मामले आए। वहीं अगर टोटल केसों की बात की जाए, टोटल एक्टिव केस देश में तो 19,000 मामले हैं। वहीं आपको बताया शिखा कि एक बार फिर जो एपी सेंटर है, जो केंद्र बन रहा है कोरोना के रिसाव का, वो कैपिटल में बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है, जहां 1,000 से ऊपर केस आ चुके हैं। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी में लखनऊ में 268 केस है। वहीं अगर देखें तो सूबे के मुख्यमंत्री विगत दिनों जो कोविड प्रबंधन के टीम 9 है उनके साथ बैठक करके और कोरोना के चौथी लहर की जो बात की जा रही है कि चौथी लहर की आशंका की बात कही जा रही है, तो उसके रोकथाम को लेकर 9/11 के साथ बैठक करके और कोविड प्रबंधन का हर एक प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे के में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के विदेश पाठक जाकर और जो टेस्टिंग केंद्र है, साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी भी जायजा ले रहे हैं, साथ साथ अस्पतालों की जायजा ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो चौथे लहर की बात जब आई थी तो सूबे के उप मुख्यमंत्री विदेश पाठक ने कहा था कि सभी जिलों में 100 बेडों का एक्स्ट्रा इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो टेस्टिंग है वो 10 लाख से ऊपर बताया जा रहा है कि 10 लाख से ऊपर विगत 3 महीनों के अंदर हो चुका है। वहीं आपको बताएं कि अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ में बीते हफ्तों में अगर देखा जाए तो स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में दिखा, जिसे आपने देखा कि दिल्ली के डीपीएस स्कूल के अलीगंज ब्रांच में 6 बच्चों के कोविड पॉजिटिव आने की रिपोर्ट आई। वहीं आपको बताएं कि ऐसे लामार्ट कॉलेज जो कि सुप्रसिद्ध यहाँ का स्कूल है, वहां पे 2 बच्चे के पॉजिटिव होने के बाद स्कूल प्रशासन स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करता है। साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं तो उसके बाद स्कूल को खोला गया। वहीं आपको बताएं कि जो अभी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि कोविड के जो बूस्टर डोज है उसको लगाने के लिए तेजी लाया जाए। साथ ही साथ आप देख सकती है कि चुनाव के समय बूस्टर डोज की
शुभारंभ हुई थी, जिसमें बुजुर्ग एवं जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, जो चुनाव में कर्मचारी जो है ड्यूटियां जिनकी लगी थी उनको लगाया गया था। उसी क्रम में अब तक ये जो बूस्टर डोज लगाने की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं कम है। तो मुख्यमंत्री की निर्देश के बाद ये आशा आकांक्षा लगाई जा रही है कि अब जो बूस्टर डोज है वो उसमें तेजी आएगी। साथ ही साथ बच्चों की वैक्सीन की अगर बात करें तो बच्चों की वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है, अब दूसरे डोज लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इस कोरोना के चौथे वेव जो मानी जा रही है, जो अब दोबारा से मामले सामने आ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करेगी सरकार, क्योंकि बच्चों का स्कूल एक बार फिर से खुला है लेकिन स्कूली बच्चे ही सबसे ज्यादा इस बार संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो स्कूलों की क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है? जी बेशक, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी समेत 7 जिलों में मास्क एवं कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके साथ ही स्कूल प्रशासन को भी सैनिटाइजेशन एवं जो 2 गज दूरी की सीमा तय की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है और उसको निर्देश दे रही है कि इसको सख्ती से पालन कराया जाए, जिससे जो वायरस का फैलाव है वो कहीं ना कहीं उसमें रोकथाम देखने को मिले। वही आपको बताएं कि जो हाल ही में हफ्ते दिनों की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ की अगर देखें तो राजधानी लखनऊ के लगभग आधे दर्जन स्कूल कोरोना की चपेट में आए और वहां केसेस मिले, चाहे बात की जाए स्कूल चाहे बात की जाए विश्वविद्यालय। आपने देखा कि रामलाल लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के 10 छात्रों को कोविड पॉजिटिव होने के बाद उनकी तरफ से एग्जाम छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो छोटे बच्चे हैं जो ज्यादा सेंसिटिव हैं और संक्रमित उनकी संख्या ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके स्कूलों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ चलाया जाए और जिन कक्षाओं में कोविड पॉजिटिव मिलते हैं उनको वर्चुअल तरीके से क्लास चलाया जाए। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली NCR से सामने आ रहे हैं, तो क्या इनको देखते हुए दिल्ली को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कोविड के मामलों को देखते हुए? जी बेशक, अगर बात की जाए तो दिल्ली में 1000 से ऊपर केस आए हैं, तो कहीं ना कहीं देशों से भी लोग आते हैं, साथ ही साथ देश के हर एक कोने से लोग दिल्ली जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखें तो दिल्ली से जो फैलने का एक रिसाव का जो तरीका है, जो इस रिसाव का होने का शंका है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा है अन्य स्टेट से। तो दिल्ली अभी एपिसेंटर भी बनी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर में जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से पालन करना चाहिए और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य महकमा है उसको इस पे अलर्ट जारी करते हुए बेहतर काम करना चाहिए, जिससे जो वायरस है वो अपने उस स्तर पे ना जाए जो हमने हाल ही के दूसरे वेव में देखा था। बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो कहीं ना कहीं देश में एक बार फिर कोरोना का जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन जो सावधानी है उसे बरतने की जरूरत है ताकि जो कोरोना के मामले हैं वो गंभीर ना हो सके। अगर 5 राज्यों की बात करी जाए जहां पे कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था, यानी कि जब कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे तो दिल्ली और महाराष्ट्र मुख्य केंद्र बने हुए थे, लेकिन इस बार भी दिल्ली सबसे ज्यादा मामलों में नंबर 1 नजर आ रहा है। कोविड के केसेस सबसे ज्यादा दिल्ली से सामने आ रहे हैं, इसी लिस्ट में हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश भी है। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी कोविड के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, वो नोएडा, गाजियाबाद हो, तो वहां पे भी तेजी से मामले देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र वो भी एक बड़ा राज्य है और बड़े राज्य होने की वजह से वहां पे भी मामले लगातार ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 169 केस मिले हैं, लेकिन अगर 5 राज्यों की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे कम मामले सामने आए हैं और पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जो रिकवरी है वो भी तेजी से हो रही है। और इस खबर पे हमारे साथ सदा बातचीत के लिए गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले उन जिलों से सामने आ रहे हैं जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, वो नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो, तो क्या दिल्ली को अपने कोविड मामलों पे लगाम लगाने के लिए पहल करनी होगी जिससे असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल शिखा, देखिए आपको बता दूं, लगातार जो मामले इस समय पर नोएडा, गाजियाबाद में बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली
से सटा हुआ है, इसका कारण भी बन सकता है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लगातार पहले भी दिल्ली में काफी मामले ऐसे बढ़े हैं जिससे कि जो वहां की सरकार थी, वो जो केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी केंद्र से कहीं ना कहीं मदद मांगी थी जिस समय जब उनके पाले से पारा निकल चुका था। जहां तक बात की जाए जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे दिल्ली के अंदर में, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब जो केसेस हैं, जिस तरह से मौतों का दर बढ़ रहा था, लोग काबू से बाहर हो गई थी, जिस तरह से दिल्ली से काफी लोग पलायन भी कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है और राजधानी में पूरे हिंदुस्तान से ऐसी कोई सी भी स्टेट नहीं है जहां से लोग वहां पर काम करने नहीं आते, अपनी रोजगार के लिए वहां पर काम करने आते हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से सटा गाजियाबाद और नोएडा भी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कोविड के केसेस बढ़ते हैं या कोई बात होती है किसी तरह से, तो दिल्ली से और नोएडा के जो बॉर्डर से उनको कहीं ना कहीं पर वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाती है, सैनिटाइजर की खास तौर पे और टेस्टिंग की व्यवस्था की जाती है, लेकिन अभी तक वो सब देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो अभी ये जो दर बता रहे हैं, जिस तरह संक्रमण दर है, ये कहीं ना कहीं अभी हावी नहीं हो रहा है। लेकिन गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में बीते 24 घंटे के अंदर में 34 केस निकल कर सामने आए, तो वहीं रिकवरी रेट की बात करी जाए तो रिकवरी रेट भी काफी अच्छा बेहतर देखने को मिला है, क्योंकि लोग ठीक भी हो रहे हैं, जितने अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो साथ ही साथ उसके साथ रिकवर भी हो रहे हैं। तो बात की जाए अगर गाजियाबाद की, 338 केसेस हैं जो अब तक एक्टिव केसेस हैं जो गाजियाबाद के अंदर हैं, और बात की जाए तो उसमें 40 केसेस ऐसे भी हैं जो ठीक हो चुके हैं अभी तक, और 34 केस अभी ऐसे हैं जो अभी कोरोना के 24 घंटे के अंदर जो मामले सामने आए। जी शिखा जी, बिल्कुल। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूलों में भी लगातार कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो अब तक कितने स्कूल इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं प्रवीण गाजियाबाद में? देखिए गाजियाबाद की बात करें तो लगभग यहाँ पर जो केसेस की बढ़ोतरी हुई थी तो स्कूल से ही चालू हुई थी, तो स्कूल हमने आपको सबसे पहले प्राइम टीवी ने स्कूल भी दिखाया था, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी स्कूल की, जो भी सेंट थॉमस स्कूल था, उसी तरह से जयपुरिया स्कूल था, उसी तरह से के आर मंगलम स्कूल था, तो इस तरह से यहाँ पर काफी संख्या में बच्चों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने वहां पर सख्ती बरती, और खास तौर पे वो स्कूलों को ऑनलाइन व्यवस्था कराई गई, क्योंकि जो ऑफलाइन व्यवस्था की गई थी, कहीं ना कहीं कोरोना के जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे, बीते काफी समय से स्कूल भी बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तो इस तरह से जिस तरह से एकाएक स्कूल खोले गए, छोटे बच्चों को भी प्रवेश वहां पर करने दिया गया, बड़े बच्चों को भी प्रवेश करने दिया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे, तो उसको मद्देनजर कहीं ना कहीं जो यहाँ के सीएमओ थे, उन्होंने सख्ती से पालन कराया, और साथ ही वो स्कूलों को खास तौर पे जो 7 दिन का जो समय था, 8 दिन का, जिस तरह से कोरोना जी प्रवीण अगर बात करी जाए संक्रमण की, तो क्या अभी ये बच्चों में ही देखने को मिल रहा है या फिर शिक्षक भी इससे प्रभावित हुए हैं? क्योंकि खासतौर पे जब बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षक, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कहीं संक्रमण कोरोना के जो ओमिक्रॉन के संक्रमण निकल के सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी एहतियात दी गई थी, और साथ ही उनको भी सलाह दी गई थी कि आप भी खासतौर पे जो कोरोना के जो शिक्षक निकले थे और बच्चे निकले थे, खासतौर पे उनको बता दिया गया था आप लोग, क्योंकि ज्यादा बड़ा उस तरह से जो वायरस फैला था उस तरह से वायरस देखने को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उनको घर पर ही परामर्श किया गया, और साथ ही उनको एहतियातन कुछ चीजें गाइडलाइन पालन भी कराया गया कि आप लोग हैंड सैनिटाइजर कीजिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, एक कमरा जिस तरह से पहले बताया जा रहा था डॉक्टरों द्वारा कि आप एक कमरे में स्थायी रूप से आप वहां पर अपनी व्यवस्था कर लीजिए और वहीं पर आप अपने उपचार कीजिए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़े थे गाजियाबाद से। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं देश में, एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि एक्टिव केस के साथ साथ रिकवरी रेट भी अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से ये कोविड की जो मामले सामने आ रहे हैं वो काफी गंभीर नहीं हो रहे लेकिन जल्दी रिकवर हो रहे हैं। साफ तौर पर एक चीज समझने वाली बात है कि हमें इससे बचाव की जरूरत है, हमें 2 गज दूरी के नियम के पालन करने की जरूरत है, समय समय पर अपने हाथ को धोने की, सैनिटाइज करने की जरूरत है, जो कोरोना के नियम है उनका पालन करने की अभी जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी भी मौजूद है हमारे बीच, और इसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। और इस खबर में हमारे साथ कानपुर से संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर में बीते 24 घंटे में कोविड के कितने मामले सामने आए हैं और स्कूली छात्र कितने संक्रमित हुए हैं?
आप शिखा पता चले जो कानपुर में कोरोना का जो महामारी का जो इस टाइम दृश्य देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लगातार कोरोना जो है पेशेंट जो बढ़ते जा रहे हैं, जो कोरोना का जो संक्रमित जो पाए जा रहे हैं मरीज वो ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग लोग पाए जा रहे हैं कानपुर में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़े थे कानपुर से। तो कानपुर से भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला है कानपुर और वहां पे भी कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। और लखनऊ की बात करी जाए तो यहाँ पे भी स्कूली छात्र लगातार संक्रमित मिल रहे हैं। देश में एक्टिव केस 19,500 हो गए हैं, 26 लोगों की बीते दिन मौत हुई है कोविड से। कोविड से मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है, हालांकि अब इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, ना ही उतना गंभीर रूप ले रहा है कोरोना, लेकिन बचाव की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। कोविड से 5,23,843 लोगों ने जान गंवा दी है। भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जो कि इस वक्त भी सक्रिय हैं कोविड के मामलों में, सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में 3,157 मामले सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में 1,485 मामले सामने आए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रायबरेली से संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, अगर रायबरेली की बात करी जाए तो 24 घंटे में कितने मामले सामने आए? शिखा की अभी तक जो 24 घंटे ना पाए तो ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया, क्योंकि इससे पहले पूर्व में दो मामले आए थे, वो बच्चे सहित आए थे, जो की अभी तक जो उनके परिजनों का कराया गया था, जाँच कराया गया था, उसमें निगेटिव आया है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इससे परेशान न हो, क्योंकि जो डोज लगवा चुके हैं और इससे डरने की जरूरत नहीं, जो दोनों डोज लगवा चुके हैं वो इससे डरने की जरूरत नहीं है, आगे चलते इनको वो होगा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे इसमें कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो है डोज लगवाने में असफल रहे, क्योंकि अभी उनको नहीं लगाया गया था टीका, इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों पर ही सीधा असर कर रहा है। जी, रिकवरी रेट की बात करें तो रायबरेली में कितना रिकवरी रेट देखने को मिल रहा है? अभी तक दो ही मामले ऐसे आए हैं, उसके बाद अभी तक कोई मामला नहीं आया, तो इसलिए हम रिकवरी के बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चल के जो भी होगा वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो बताया जा रहा है कि दो गज दूरी बनाए रखें और लगातार कहीं ना कहीं इस पे जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मास्क जो अनिवार्य कर दिया गया यहाँ पे। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से अजय जुड़े थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस